नमस्कार, बात भारत की में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में सीट बंटवारे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। कभी इंडिया गठबंधन में तकरार सामने आती है तो कभी एनडीए में भी सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान देखने को मिलती है। फिलहाल आज हम बिहार को लेकर बातचीत करेंगे। हाल ही में एनडीए ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी है, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, लोक जनशक्ति पार्टी को 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में 1-1 सीट गई है। एक तरफ चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं तो दूसरी तरफ उनके चाचा की अनदेखी कर दी गई है, जिससे नाराज पशुपति पारस ने मंगलवार को मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मैंने बहुत ईमानदारी से देश की सेवा की और मैं आज भी प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए मैं केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पशुपति पारस की एनडीए को जरूरत क्यों नहीं पड़ी और युवा चिराग पासवान को एनडीए में इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है, इसी पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे आज के कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको जरा कुछ जरूरी चीजें समझाना चाहेंगे। किसको कितनी सीटें मिली हैं, जो सीट शेयरिंग हुई है, बीजेपी के पास 17 सीटें हैं सीट शेयरिंग जो हुई है एनडीए की, जेडीयू के पास 16 सीटें, यानी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उसके साथ साथ आईएलएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही आपको बता दें एचएएम 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो यहां पर जो सीट शेयरिंग है वो हो चुकी है, इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है, क्योंकि बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से गरमा गई है। बिहार में सीट को लेकर घमासान छिड़ चुका है। सीट अपडेट क्या है? शिवहर लोकसभा सीट बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है। इसके अलावा लवली आनंद के लिए जेडीयू ने शिवहर सीट हासिल की है। साथ ही साथ आपको बता दें काराकाट और गया जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा और जीतन मांझी को दी है, 2 सीटें उनको दी है, लेकिन उसमें वो भी खुश नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने नवादा सीट बीजेपी के लिए छोड़ी है। यानी कुल मिलाकर जो 2019 में यहां पर समीकरण बने हुए थे, 2019 में जो स्थिति यहां पर बनी हुई थी उसमें थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एनडीए में इस तरह से जो तकरार है, सीटों पर जो तकरार है वो क्यों देखने को मिली और एनडीए के महत्वपूर्ण सदस्य जो हैं उन्होंने एनडीए का दामन छोड़कर, एनडीए का गठबंधन छोड़कर अब उनकी अटकलें जो हैं वो इंडिया गठबंधन में भी जाने की तेज हो रही है। अब देखना होगा कि क्या वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं या नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले वो किस तरह का कदम उठाते हैं। तो चलिए सीधे आप रुख करते हैं, हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बताना चाहेंगे अमित तिवारी जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दूसरे मेहमान सुंदरम पाठक जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और डॉक्टर अजय तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अमित जी, आपके पास आना चाहूँगा। एनडीए में तकरार देखने को मिल रही है, सीटों पर जो है वो घमासान छिड़ा हुआ है, बिहार के अंदर कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो तेज हो गई है, खतरे की एक छोटी सी घंटी बज गई है। कहां इंडिया गठबंधन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि इंडिया गठबंधन एक एक करके टूट रहा है, लेकिन बिहार में जो तस्वीर बनी हुई है क्या वो एनडीए के लिए कोई थ्रेट नहीं है, आने वाले समय में कोई खतरा नहीं है? नहीं शीतल जी, देखिए बिहार के लिए सीट का बंटवारा हो चुका है और कोई भी नाराजगी नहीं है। पशुपति पारस जी की जो आप बात कर रहे हैं उनके साथ भी हमारे जो नेतृत्व है बिहार का वो लगातार जुड़ा हुआ है और बातचीत चल रही है, कोई भी नाराज नहीं है, सब मिलकर। आज देखिए जहां तक बात हो रही है छोड़कर जाने की, हमारे साथ तो लोग अन्य अन्य प्रोफेशन से आके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मोदी जी के विकास की रथ को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां किसी के छोड़ के जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज जिस तरीके से देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करती है, जिस तरीके से देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है और वो
इस चीज को कहती है कि हाँ मैं हूं मोदी का परिवार, चाहे आप कितनी भी गालियां दो हम मोदी का परिवार हैं। तो आने वाला ये जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें निश्चित तौर पे पूरा का पूरा मोदी का परिवार मोदी जी के साथ खड़ा है और कोई भी किसी के भी छोड़कर जाने की कोई संभावना नहीं है। सब एकजुट हैं और सब लेकिन बिहार की तो अमित चालीस जी, की चालीस लेकिन अमित सीटें जी, हम जो जीतने का। एनडीए की गाड़ी पे सवार था उन्हें आपने पैदल चला दिया, और जो पैदल चल रहे थे उन्हें एनडीए की गाड़ी में शामिल कर दिया है, ये तो साफ तस्वीर देखने को मिल रही है ना बिहार के अंदर। नहीं शीतल जी, देखिए कुछ चीजें होती हैं, एक पार्टी का सर्वे भी होता है, एक लोगों की भावना भी होती है कि वो किसे देखना चाहते हैं अपना प्रत्याशी। तो उन सारी चीजों को लेकर एक निर्णय लिया गया और उसी निर्णय को आपने देखा होगा सीटों में परिवर्तित भी हुआ। और जिस तरीके से पशुपति पारस जी को सीट नहीं मिला, निश्चित तौर पे उनकी भूमिका बिहार में बहुत बड़ी हम देख रहे हैं। भविष्य में उसका उसका भी वो होगा, निर्णय लिया जाएगा, आपके सामने होगा। लेकिन आज जिस तरीके से 2024 में एनडीए का 400 पार के नारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, हम उस हर एक चीज को ये कर रहे हैं। ठीक है सुंदरम जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना अमित जी कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ भी नहीं है, एनडीए में कोई दरार नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक सर्वे के आधार पर यह फैसला लिया गया है बिहार के अंदर, कौन लोग किसको चाहते हैं उसी के आधार पर यह फैसला लिया गया है, सीट शेयरिंग की गई है। कांग्रेस कैसे देखती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर भी आए दिन जो है इस तरह के सवाल उठते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है, एक एक करके टूट रहा है। मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। और ये जो पशुपति पारस जी की बात सबसे पहले अभी आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ये साफ कर दिया कि उनको हम सीट देंगे नहीं। और क्यों ना नाराज होंगे, जो इनके पास एक मुकेश सहनी जी भी थे जो मल्लाह समाज से आते हैं, वो अपनी पूरी जाति की वोटिंग लेके इनके साथ आए। उन्होंने उनको क्या किया, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में चार विधायक उनके थे, अपने सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़वाया और फिर पुनः अपने पार्टी में उन चारों विधायक को मिला लिया। आज मुकेश सहनी के कहीं चर्चा भी नहीं ये लोग कर रहे हैं। तो क्या ये नाराजगी नहीं होगी किसी भी जाति का, पूरे जाति का संरक्षण करने वाले को, जाति का नाम लेकर जो राजनीति करवा रहे हैं, जो आप आ रहे हैं जैसे कि मुकेश सहनी जी आए सन ऑफ मल्लाह, तो आप तो पूरे मल्लाह समाज को भी तो टारगेट किए, उनके साथ भी तो आप विश्वासघात किए। तो ये कहीं ना कहीं ये आमतौर पर साफ तरीके से इनका दिख रहा है। और ये गांव में कहावत है ना कि कांच के घड़े को आप कितना दिन आग पे चढ़ाएंगे, बस वही है भारतीय जनता पार्टी, कितनी दिन झूठी राजनीति कीजिएगा। युवा को ठग रहे हैं, महिला को ठग रहे हैं, आप अपने पार्टी के विधायक को ठग रहे हैं, मंत्री को ठग रहे हैं, जो आपके साथ दिन रात चल रहे हैं उनको ठग रहे हैं। आप देख लीजिए अभी नीतीश कुमार जी का ही क्या हाल हो गया, पिछली बार 17 सीट में से 16 सीट चुनाव जीत चुके थे, इस बार उनको 16 सीट दिया गया है। तब उन्हें भी पता चलता होगा कि हम किस तरफ गए हैं और क्या कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से ही प्लानिंग है कि जो हमारे साथ आएगा उसको हम काट कर और उसे हम अपने में मिला लेंगे। ठीक है अमित जी, बहुत जल्दी जवाब लूंगा क्योंकि फिर डॉक्टर अजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत जल्दी 10 सेकंड में अमित जी। जी बिल्कुल 10 सेकंड शीतल जी। देखिए जातिगत राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का ये नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी आज न्याय जोड़ो यात्रा में है और वो अपनी रैलियों में पूछते हैं कौन जात से हो, क्या करते हो, तुम्हारी क्या भागीदारी है, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ऐसी बात है। तो जातिगत राजनीति करना कांग्रेस का, इसको इससे बांटो, भाई को भाई से लड़ाओ, देश को देश, साउथ को नॉर्थ से बांटो, ये सब करना कांग्रेस का काम है और वही आज वो कर रही है। आप इस देश में खुद लड़वा रहे हैं, ठीक है हिंदू ठीक है, मुसलमान के मुद्दे आप ला रहे मैं इस पर हैं। पूरा जवाब लेने की कोशिश करूंगा डॉक्टर अजय जी से। डॉक्टर अजय जी आपके पास आना चाहूंगा, आपने दोनों की बातें सुनी, राजनीति को आप करीब से देखते हैं और राजनीति का विश्लेषण कैसे होता है वो भी आप बखूबी करते हैं। बिहार की इस वक्त वर्तमान की क्या स्थिति है, क्या किस तरह के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, किस तरह के सियासी समीकरण बन रहे हैं एनडीए के अंदर, जो ये पूरा मामला अभी निकल कर सामने आया है। डॉक्टर अजय जी आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और भारत देश की 140 करोड़ जनता देख रही कि कौन किधर जा रहा है। आज बिहार की स्थिति निश्चित तौर से पशुपति पासवान जी एक संगठन चलाते थे रामविलास पासवान के साथ। रामविलास पासवान जी जब भी राजनीति किए अपने साथ एक संगठन बनाकर उसका नेतृत्व पशुपति जी से कराते थे। तो ऐसा आप कहीं तय नहीं कह सकते कि पशुपति जी कहीं कमजोर हैं, उन संगठन से उनका लगाव है। लेकिन आज जो चिराग पासवान को 5 सीट देना और पशुपति को बाहर करना, पशुपति का इस्तीफा आना, निश्चित तौर से एनडीए
को घटक जो दल है एनडीए का उसका नुकसान होगा, और नीतीश कुमार जी का बिहार में जो पलटू शब्द का इस्तेमाल हुआ, यही अमित शाह जी कहते थे कि मेरे जीते जी कभी नीतीश कुमार इस पार्टी में कदम नहीं रख पाएंगे, और वही नीतीश कुमार जी कहते थे कि हम कभी भी उस पार्टी में नहीं जाएंगे। जनता इसको देख रही है, अलग बात है कि अमित जी, डॉक्टर अजय जी, मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर अजय जी मैं और मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी को पशुपति पारस जी की जो कहीं ना कहीं जो नजदीकी है या जो उनके साथ अभी तक चल रहे थे उसकी जरूरत अब आगे क्यों नहीं पड़ी? क्या चिराग पासवान के पास एक लंबा करियर बचा हुआ है, वो एक कारण हो सकता है या कोई अन्य कारण हो सकता है? नहीं देखिए, बीजेपी में अभी अभी अमित जी ने कहा हमें 400 पार करना है, और 400 पार करने के लिए हमारे पास जो आ रहा है हम ले रहे हैं। तो हमारे पास जो आ रहा है हम ले रहे हैं, लेकिन आपको उससे देखना होगा कि नुकसान कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है। बिहार में नीतीश के भाजपा में जाने से ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और ना ही पशुपति जी को दरकिनार करने से चिराग पासवान जी 500 सीट जीत जाएंगे। निश्चित तौर से आपस में जब विवाद होता है तो कहीं ना कहीं अपने घर को ही नुकसान होता है, तो ये एनडीए को नुकसान देगा बिहार का, बिहार में। और आप बिहार के साथ साथ आप ठीक महाराष्ट्र में भी देखिए, आज अमित शाह से मुलाकात भी हो रही है, महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है शीतल जी। महाराष्ट्र में जिस तरह से राज ठाकरे को मनाने की कोशिश की जा रही है, वो राज ठाकरे जो हमेशा मतलब एक प्रवृत्ति उनकी रही है गुंडई की, स्पष्ट बोलने की, लड़ने की, और इसी अब वो कैसे शिवसेना में जाएंगे? वो हमेशा जाएंगे तो सिंधे के साथ जाएंगे। राज ठाकरे जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि मैं भाजपा में जाऊं और हमारी बढ़ोतरी हो जाए, और भाजपा इस दांव को चूकना नहीं चाहती, वो चाहती राज ठाकरे को भी साथ ले ले। तो ऐसी स्थिति में देखिए जनता कहीं ना कहीं इस चीज को जान चुकी है कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को अपने साथ समेट रही है, ये समेटना भी एक प्रकार से नुकसानदायक है, ये प्रॉफिट की चीज नहीं है। ठीक है अमित जी, आपके लिए ये नुकसान हो सकता है, ये डॉक्टर अजय जी का कहना है कि जरूरी नहीं है कि एनडीए को इसका फायदा ही होगा। अगर नीतीश कुमार आपके पास आए हैं, पशुपति पारस के जाने के बाद आपको नुकसान भी हो सकता है, ये डॉक्टर अजय जी कह रहे हैं। और मेरा सवाल आपसे ये है कि सबका साथ सबका विकास को जो नारा आप दे रहे हैं, आप अपने घर में ही सबके साथ नहीं है? आपने उन्हें अलग कर दिया जिन्होंने आपको पिछली बार 5 सीटें दी हैं लोकसभा से, और जिन्होंने 1 सीट दी है उनको आपने इस बार 5 सीटें थमा दी। निश्चित तौर पर शीतल जी, देखिए डॉक्टर साहब ने मुझे थोड़ा सा गलत कोट किया। मैंने ये कहा था कि 400 पार का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है उसे प्राप्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि जो आ रहा है उसको लेते जाएंगे, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न क्षेत्रों से, केवल राजनीतिक क्षेत्र से ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों से, प्रोफेशनल क्षेत्रों से लोग आकर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि एक हमारी दूर दृष्टि है प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि वो बात कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की, वो बात कहते हैं विश्व के टॉप 3 में भारत को शामिल करने की, वो बात कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलप्ड एक विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, एक आत्मनिर्भर, एक आत्म संबल वाला भारत बनाने की बात करते हैं। तो इन सब चीजों के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, अब आ जाते हैं बिहार के मुद्दे पर। बिहार में जिस तरीके से आपने कहा कि पशुपति पारस जी नाराज है, अभी देखिए उनका इस्तीफा देने के बाद उनका सबसे पहला बयान क्या आया, वो कृतज्ञ हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, उनसे उनको कोई शिकवा नहीं है, कोई नहीं है, और उनका हाथ मजबूत करने के लिए आने वाले चुनाव में वो मजबूती से उनका साथ देंगे। अमित जी, बीजेपी ये भी कह रही है, बीजेपी ये भी कह रही है कि उनके एनडीए या इंडिया में जाने से, उनका एनडीए इंडिया में जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी राजनीति में कोई नुकसान नहीं होगा। आऊंगा डॉक्टर जी, ऐसा कभी ऐसा कोई भी बयान नहीं आया, ऐसा एनडीए की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया। आपने देखा होगा वहां के सम्राट चौधरी जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम लगातार पशुपति जी के साथ संपर्क में हैं। और देखिए दूसरी बात रही सीटें देने की ना देने की, जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ उसके बाद उस पार्टी में दो
दो गुट बन गए। तो पशुपति पारस जी को निश्चित तौर पे उनका उनको सम्मान दिया गया, उनके साथ जितने विधायक थे उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, और निश्चित तौर पे जैसे 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 जिसका जनाधार उन 5 सालों में जिसका जनाधार बढ़ा उस हिसाब से सर्वे के हिसाब से सीटें दी गई। निश्चित तौर पर किसी का भी अनादर नहीं किया गया, किसी को भी अनदेखा नहीं किया गया, और सबको साथ लेकर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन वही देखिए जो लालू प्रसाद यादव गांधी मैदान में इतनी बड़ी रैली करते हैं, आप देख लीजिएगा हर हर रैली के बाद, जब जब लालू जी ने बड़ी रैली गांधी मैदान में की है उस रैली के बाद उनका जनाधार घटा है, उनकी सीटें घटी हैं। तो कोई भी और उस इंडी गठबंधन में तो बिहार में सर फुटबल पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम ज्यादा सीटें नोच ले, कहीं से हम ज्यादा सीटें ले लें। ऐसा तो आप अगर आप एनडीए को देखेंगे तो एक समन्वय के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो रहा है, लेकिन आप इंडी गठबंधन को देखेंगे तो वो तो कौन कितना सीटें ले ले उस पर होड़ मची हुई है, किसी का जनाधार तो है नहीं वहां पर। ठीक है डॉक्टर अजय जी, बीजेपी कह रही कि हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम किसी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। अगर ये नजरअंदाज नहीं है तो क्या है, इसको किस रूप में देखा जा सकता है? शीतल जी, आपके चैनल पर सम्राट चौधरी की फोटो आ रही है, ये उस सम्राट चौधरी की फोटो आ रही है जिन्होंने कसम खाया था कि मैं नीतीश को हटा के ही दम लूंगा तभी अपनी पगड़ी खोलूंगा, आज तक पगड़ी नहीं खुली है। और अमित जी कह रहे हैं कि जो आना चाहता है मैं उसे ले रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पवन सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, केवल लोकप्रिय है और नहीं लड़ना चाहने के बावजूद भी उसे लड़ाया जा रहा आसनसोल से। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, जनता इस बार नहीं, अजय जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? पवन सिंह ने जब ये कहा कि वो लड़ना नहीं चाहता है, उसका दूसरा ट्वीट ही आपने देखा होगा, उनका दूसरा ट्वीट ही आपने देखा होगा, मैंने देखा कटिबद्ध है, ठीक है, ये आज का विषय तो है नहीं डॉक्टर अजय जी। मैंने आपसे सीधा सवाल, डॉक्टर अजय जी मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा कि बीजेपी कह रही है कि हमने किसी को नजरअंदाज नहीं किया है, सब साथ हैं, सब साथ चल रहे हैं, अगर ये नजरअंदाज नहीं है तो इसको हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? नहीं, अगर ये नजरअंदाज नहीं है तो आप हरियाणा पहुंच जाइए ना शीतल जी। हरियाणा में जिस जजपा का साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज वह जजपा आउट है, और आप कह रहे हैं कि हमें 400 सीट पार करनी। हम मानते हैं आपकी बात है कि आप किसी को लेना नहीं चाहते, 400 सीट पार करना निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ना कोई झुठा सकता है ना कोई मना कर सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही देन है कि जो सांसद बनने के लायक नहीं है वो भी आज सांसद बन रहे हैं, जो विधायक बनने के लायक नहीं है वो भी आज विधायक बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत करके इन 5 पिछले 10 सालों में किस सांसद और किस विधायक ने क्या किया है, या नरेंद्र मोदी जी को बाखूबी मालूम है? नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को मीटिंग में बुला करके सांसदों को कहा यदि आप अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे तो आपकी टिकट काट दी जाएगी। ठीक है, आप मुझे बताइए किस किस आदमी की टिकट काटी गई, ओके सुंदरम जी को टिकट दिया गया? ठीक है, सुंदरम जी के पास जाना चाहूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुंदरम जी, बीजेपी कह रही है कि हम साथ हैं, हम में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दरार नहीं है, इंडी में दरार देखने को मिल रही है, अलग अलग जगहों पर उनको सीट शेयरिंग पे अभी बात नहीं हो रही है, ऐसा वाकई में देखने को मिला है? बेशक आपने यूपी के अंदर हो या दिल्ली के अंदर केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया हो, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस भी अभी सफल नहीं हो पाई है इस चीज को लेकर। देखिए, जिस जिस पार्टी के साथ हमारी अलायंस है तो अब उस हिसाब से सीट बांटने में, अगर मान लीजिए हम चुनावी रणनीति तैयार करते हैं तो एक दिन में तो हम कोई डिसाइड लेंगे नहीं। अगर हम डिसाइड लेंगे तो हम पूरी तरीके से दोनों पक्ष जो हमारे साथ हैं वो दोनों लोग, हम जिस तरीके से आपसी विवाद न बने, जिस तरीके से कोई ऑप्शन न उठे, सब लोग सहमति बनाए, उस हिसाब से बात करेंगे। तो सीट बंटवारे में तो यह है कि टाइम लगेगा ही, और ये जो अभी बता रहे थे कि जो हम 400 सीट पार करने जा रहे हैं, किस स्तर से ये पार करने जा रहे हैं थोड़ा सा ये झलक दिखा दें, क्योंकि ये बिहार में अभी बोले हैं कि लालू प्रसाद यादव जब जब रैली किए हैं तब तक लालू प्रसाद यादव जी की सीट गिरी है या उनका जो जनाधार गिरा है। तो इनको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले बिहार की युवा को आप उतना बुर्बक नहीं समझिए, बिहार का युवा होशियार है, क्योंकि आपने BPSC TER 3 का पेपर लीक करवा दिया। ठीक है डॉक्टर अजय जी, क्या अब ये चाचा वर्सेस भतीजा जैसी स्थिति बिहार के अंदर बन गई है? अगर चाचा वर्सेस भतीजा है तो इसका नतीजा क्या है?
आदरणीय शीतल जी, सबसे पहली बात तो मैं ये सुंदरम जी की बात का जवाब देना चाहूंगा, ठीक है, कि गलतफहमी है कि 400 पार नहीं हो सकता है, 400 पार हो सकता है। यदि इसी तरह से जनता का जनाधार आप लोग खोइएगा, राहुल जी जाकर के बनारस में युवा लड़कों को शराबी कहेंगे, यदि इसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करेंगे, एक सेकेंड पहले पूरी बात सुनिए फिर बोलिएगा, ठीक है, बिल्कुल आऊंगा सुनूंगा जी, क्योंकि अजय अमित जी के पास भी जाना है, उनसे बात करके आप आगे जाएंगे, ठीक है, तो जनता का जनाधार आप खोएंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में कितनी कमियां हैं, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत से मुद्दे हैं, आंदोलन करने की जरूरत थी। आज देश को जितनी मजबूत सरकार चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष चाहिए। मतलब कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष के नाते कार्य पिछले 10 साल में नहीं किया है, मजबूत विपक्ष के रूप में बाहर नहीं आए हैं। नहीं किया है सुंदरम जी, मजबूत विपक्ष नहीं है आपके पास, जितनी मजबूत सरकार चाहिए थी उतना मजबूत विपक्ष भी चाहिए था। सबसे पहले इन्होंने अभी कहा कि जो राहुल गांधी जी बनारस में जाके लोगों को शराबी कर रहे हैं, वहाँ युवाओं को, वो युवाओं को ये कह रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ कर कुछ भी बताइए वो आपकी मर्जी है, लेकिन राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि आजकल के युवा जो पूरे दिन रील्स देखते हैं, व्हाट्सएप पे रील्स चलाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो क्लास करते हैं उसमें वो खुद को बेरोजगार है, इस वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। अगर उन्हें रोजगार होता 12 घंटे अगर वो काम करते तो ये था कि वो काम करके ही अपना काम करते, आधे घंटे मात्र यूट्यूब या फेसबुक पर कुछ चलाते तो इससे देश का विकास होता, ठीक, ना कि अडानी और अंबानी का, ठीक है डॉक्टर अजय जी। इन्होंने दूसरी बात कहा, डॉक्टर अमित जी ठीक है अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। अमित जी, ये जो पूरा प्रकरण या जो ये जो पूरा पूरी घटना जो अभी बिहार के अंदर घटी है या जो महाराष्ट्र के अंदर आपकी बात नहीं बन रही है, इसका क्या नतीजा निकल सकता है आने वाले समय में? देखिए शीतल जी, जिस हिसाब से हरियाणा की बात निकल कर आई, देखिए हरियाणा में हम कोई लड़ झगड़ कर अलग नहीं हुए, हमारा कुछ सीटों का शेयरिंग का बात चल रही थी और उस पर सहमति नहीं हुई तो हमने अलग अलग लड़ने का वो फैसला किया। लेकिन उसी तरीके से देखिए, कल तक जो पार्टी इंडी अलायंस में कांग्रेस को गाली दे रही थी वो आज इंडी अलायंस में कहीं एक साथ लड़ रही है, कहीं पे अलग लड़ रही है। तो उस राज्य में, जैसे कि मैं पंजाब की बात करूंगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही है, दिल्ली में एक साथ लड़ रही है, तो दिल्ली में साथ लड़ेंगे और पंजाब हम एक दूसरे पर चीटाकसी करेंगे। किसी उसी तरीके से बंगाल की हालत आपने देख ली, किस तरीके से ममता बनर्जी ने मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, उसी तरीके से आपने केरल में अभी राहुल गांधी को बोरिया विस्तार लेके भागना पड़ा था, वो तो किसी तरीके से उनकी सीट वायनाड वाली वहां पे लड़ रहे हैं। तो देखिए, जो ये लोग कहते हैं कि गढ़ है, राहुल गांधी परिवार का गढ़ है, उन गढ़ पे भी ये बैसाखियों के सहारे जीतते आए हैं। अभी तक अगर अमेठी गढ़ रहा है इनका, तो वहां पे कोई भी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करती थी और जब खड़ा हुआ तो वो हार गए, तो ऐसा कैसा गढ़ की कोई जीत ही ना पाए बिना किसी सहयोग के। दूसरी बात, आप देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जब वहां पे उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि पहली सिग्नेचर से, पहली जी एक करके आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की खाता नहीं खुला करती थी उस समय भी कांग्रेस की ऐसी सरकार थी जो उन्हें विपक्ष के नाते उन्हें ठीक है ठीक है। सुंदरम जी सुन लिया मैंने, आपको सुनना है, आप मेरी बात सुनिए। बिहार में जब तेजस्वी यादव की सरकार वहां पे बनी तब उन्होंने क्या कहा, पहले सिग्नेचर के साथ हम 20 लाख नौकरी देने जा रहे हैं, और उसके बाद 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। उसके बाद राहुल गांधी क्या मजबूरी है कि इनको हर राहुल गांधी के वक्तव्य को का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। हम शक्ति की उपासना करते हैं पर इनको शक्ति के साथ लड़ना है, जिस देवी की हम उपासना करते हैं ये उस देवी का उपेक्षा कर इनका, और ये इनकी ये चाल में है, इनके ये व्यवहार में है, क्योंकि ये कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, क्या ऐसा है क्या शीतल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं कि जो इनके समय थोड़ा कम है, जवाब लेता हूँ बहुत जल्दी से। सुंदरम जी 10 सेकंड है आपके पास, बस 10 सेकंड में आप अपने जवाब दीजिएगा। साहब आपने अभी कहा कि हम ये शक्ति की बात करते हैं, आप जिस मंदिर की आप पूजा की बात कर रहे हैं हम लोग उसका विरोध करते हैं। साहब आपने ही तो इस देश के लोगों को बोला कि हिंदू और मुसलमान पे, आपने तो पाकिस्तान से चंदा क्यों लिया? ठीक है आपने, ठीक है समय कम है। डॉक्टर अजय जी आपका मैं बस 10 सेकंड लूंगा। डॉक्टर अजय जी आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, कंक्लूजन आपसे लेना चाहूंगा 10 सेकंड में। डॉक्टर अजय जी नहीं, ये निश्चित है शीतल जी, ये निश्चित है जिस धनाधार को बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति ने
इंडिया गठबंधन में अपनी अगुवाई की और आज इंडिया गठबंधन से जिस तरह से लोग टूट टूट करके दूरियां बनाए, ममता जी से लेकर के आज अरविंद केजरीवाल भी जो दूरी बनाए हुए हैं, यही दर्शाता है कि जनता के बीच जनाधार नहीं है और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इस 400 पार के 400 पार की तरफ ले जाने की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, यही मेरा कंक्लूजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का। अमित तिवारी जी शुक्रिया आपका, सुंदरम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एनडीए के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार के अंदर जो टूट एनडीए के अंदर देखने को मिली है उसके बाद अब सियासी घमासान छिड़ चुका है, विपक्ष भी लगातार एनडीए पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।